आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमारा ये जो सीरीज है, ये मैंने FR सीरीज की बात कर रहा हूँ, इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा है बेसिकली। अब इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेस पढ़ा है, फिर शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है। अब करते क्या है, शेड्यूल 3 में हमें फॉर्मेट्स पता चला, डिवीजन 1 डिवीजन 2 पता चला, हमें SPL स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता चला, हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता चला, सोकी का फॉर्मेट पता चला, ठीक है। अब उस पर कुछ क्वेश्चन करने की बारी है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने उस पर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इलस्ट्रेशन 1, और ये कहां से लिया गया है, इसका है पेज 18.53। मैं दिखा देता हूं, ये ओके, इलस्ट्रेशन 1 आपका स्टडी मैट से है, 18.53 का इलस्ट्रेशन 1 मैंने लिया, ये बेस्ड ऑन अपने शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सी लिमिटेड इज अ ग्रुप इंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड FMCG प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल और FMCG प्रोडक्ट्स बेचता है, कोई बात नहीं बेचो भाई। वन ऑफ देयर डिवीजन ऑल्सो डील्स इन लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, उनका एक और डिवीजन है, मेन कोर बिजनेस इनका इंडस्ट्री और FMCG प्रोडक्ट बेचने का ऐसा लग रहा है। और बोलते वन ऑफ द डिवीजन आल्सो डील इन लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक मोबाइल टावर्स, ठीक है, तो उनकी एक डिवीजन है जो मोबाइल टावर्स भी बेच, मोबाइल टावर्स को लीज पे देती है, ओके। द अकाउंटेंट शोड द रेंट अराइजिंग फ्रॉम द लीजिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी एज देयर अदर इनकम, बोला कि जो लीजिंग से, सपोज करिए कंपनी है, इनका मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस है इंडस्ट्रियल और FMCG प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, उनका एक अलग डिपार्टमेंट है या डिवीजन है, एक डिवीजन है जो लीजिंग से डील करता है, ठीक है। अब जो उनके यहां पे अकाउंटेंट साहब हैं, उन्होंने क्या किया, लीजिंग से जो इनकम अराइज हुई है उसको अदर इनकम में डाल दिया, ठीक है, अदर इनकम में डाला है, ना कि बिजनेस इनकम में डाला है, ना, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस से इनकम ना दिखा के अदर इनकम दिखाया गया, ठीक है, इन SPL, ओके। रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा क्या गया है, कमेंट वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेंट इनकम मेड बाय द अकाउंटेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट इन द लाइट ऑफ शेड्यूल 3। मैंने बोला था ना शेड्यूल 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बोला भैया 2013 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या आपको लग रहा है, एज एन ऑडिटर यू आर चेकिंग हिज बुक, हिज और हर बुक, तो आपको यह बताना है कि भाई साहब ये जो दिखाए हैं इन्होंने क्या किया, भैया लीजिंग इनका एक डिविजन है फिर भी उसको अदर इनकम में दिखाया, आपको बताना है सही या गलत। तो चलिए देखते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर क्या दिया हुआ है, उसको फिर मैं ब्रीफ में बता दूंगा। एज पर जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर प्रेजेंटेशन, देखो यहां पे क्या होगा ना, ये ज्ञान बांटेंगे थोड़ा सा, मतलब फैक्ट्स जो है, रूल्स जो है, रूल्स और रेगुलेशन यहां पे बताया जाएगा, ये पहला पैराग्राफ, फिर अबाउट द क्वेश्चन, फिर यहां पे कंक्लूजन, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस के आंसर्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, भैया आपके पास कितना नॉलेज है यहाँ पे रख दीजिए, भाई शेड्यूल 3 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कि कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अबाउट द क्वेश्चन लिखना है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो यहाँ पे डिस्कस करना है, अबाउट द क्वेश्चन, फिर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एज पर द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब PL बनाने के लिए, गिवन इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अदर इनकम डज नॉट इंक्लूड
एक्जिस्टिंग इनकम। कहते हैं भैया जो हमारे पास शेड्यूल थ्री का एसपीएल का फॉर्मेट है उसमें क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग इनकम अदर इनकम में नहीं जाती, ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा अदर इनकम में नहीं जाता। ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? ऑपरेटिंग मतलब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका बिजनेस है कि आप लीज पे देते हो प्रोडक्ट, उससे इनकम पाते हो, दैट इज योर ऑपरेशनल इनकम एंड दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर अदर इनकम। ये बोल रहा है शेड्यूल थ्री। द टर्म रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर शेड्यूल थ्री, although revenue from operation has not been defined in under schedule 3. Revenue from operation aapke business se kya income hai ye schedule 3 of the companies act 2013 mein defined nahi hai, ye do line ho gayi. However, as per the guidance note on the schedule 3 of the companies act 2013, this would include revenue arising from the company's operating activities. Schedule 3 mein nahi bola hai to kya baat hai, koi baat nahi, kyunki hamare paas institute ke paas ek aur hathiyar hai, wo kya bhaiya, guidance note. Guidance note mein likha hua hai ki bhaiya schedule 3 mein wo income, schedule 3 guidance note रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो इनकम आएगी जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आती है। कहने का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके, दैट इज एदर इट्स प्रिंसिपल और एंसिलियरी रेवेन्यूज। मतलब एंसिलियरी मतलब उससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू, जैसे कि मेरा कोई कार बेचने का रेवेन्यू तो उसके पार्ट्स बेचना भी मेरा एंसिलियरी रेवेन्यू हो गया, मतलब उससे क्रॉस सेल जिसको बोलते हैं उसके साथ साथ जो और कुछ भी बिकता वो रिवेन्यू। जनरेटिंग एक्टिविटीज मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो आपके प्रिंसिपल कोर बिजनेस से और उससे रिलेटेड बिजनेस से जो रिवेन्यू आ रहा है वो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिवेन्यू। वेदर अ पर्टिकुलर इनकम whether a particular income constitute revenue from operation or other income is to be decided based on the facts of each case. भाई साहब कौन सा अदर इनकम में जाएगा, कौन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, इट डिपेंड्स टू केस टू केस, एक केस से दूसरे केस पर डिपेंड करता है भैया कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। एंड डिटरमाइन एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, और कंपनी की एक्टिविटीज को डिटेल एनालिसिस करके ही आप बता पाएंगे, ओके। द क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्पज फॉर विच द पर्टिकुलर एसेट इज एक्वायर्ड और हेल्ड फॉर, और जिस पर्पस के लिए आप, तो भैया उस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना कि जो एसेट से इनकम आ रहा है वो किस पर्पस के लिए हेल्प किया हुआ है, फिर उनके पास किस पर्पस के लिए है। तो इनका कहने इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि इन्होंने पहला पॉइंट बोला कि अदर इनकम में ऑपरेटिंग इनकम नहीं आता है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो इनकम है वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। हाँ, हालांकि गाइडेंस नोट में बताया गया है कि जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनकम आती है उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही डालते हैं। हाँ, एक और इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगाया कि आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज बिजनेस की जरूरत पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए तभी तो आपको पता चल पाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि वो एसेट किस पर्पज के लिए एक्वायर हुआ, उस हिसाब से भी डिफाइन होगा। तो अब चलिए केस के बारे में पढ़ते हैं, ये हो गई कहानी। इन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ज्ञान जो आपने पढ़ा हुआ है बुक में क्या लिखा हुआ है, रूल क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, उसको आपको डिफाइन करना, फिर आपको अपने केस के बारे में बताना। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, सी लिमिटेड इज अ ग्रुप एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ द इंडस्ट्रियल, ये जो हमने बताया अभी वो इंडस्ट्रियल एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचते हैं, उनकी मैन्युफैक्चर और सेल में है, एंड इट्स वन ऑफ द डिवीजन, उनकी एक वन ऑफ द डिवीजन जो है वो डील करती है लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लीज में देती है, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर मोबाइल टावर्स। सिंस इट इज वन डिवीजन इज कंटिन्यूअसली एंगेज इन लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, इट शैल बी कंसिडर्ड एज इट्स प्रिंसिपल और एंसिलरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, उसकी प्रिंसिपल और एंसिलरी जनरेटिंग रेवेन्यूज मान ली जाएगी। जैसे यहाँ पे फ्रॉम अ कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और एंसिलरी रेवेन्यू, तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। Therefore, the rent arising from such leasing shall be shown under the head revenue from operation and not as other income. भाई साहब, आपका एक डिवीजन उस पर काम कर रहा है,
आपकी कंपनी का एक डिवीजन उस पर काम कर रहा, तो दैट शुड बी इन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शो भाई अकाउंटेंट साहब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इंडेक्स पढ़िए, शेड्यूल 3 पढ़िए, इंडेक्स छोड़िए, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़िए, फिर दिमाग खोलिए, ठीक है। हेल्स the presentation of the rent arising from the leasing of such properties as other income in the statement of the profit and loss is not correct. गलत है भाई साहब, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर सही है, ये इनका ट्रीटमेंट गलत है, अकाउंटेंट साहब गलत है, अच्छा इधर गलत मार देते, ओके क्रॉस, इट शुड बी शोन अंडर द हेड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप आई होप आपको समझ में आ गया है कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपके बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम आ रहा है, आपका भले ही घर बेचने का काम हो, गाड़ी रेंट पे देने का काम हो, रेंटल इनकम अगर एक बिजनेस की तरफ देखा जाए तो उसका अगर कोई रेंटल इनकम आता है, सपोज करो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है और मेरा रेंटल इनकम आ रहा है, बट मेरा कपड़ा बेचने का बिजनेस है, रेंटल इनकम आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए हो गया अदर इनकम, लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है रेंट पे देना तो मेरे लिए वो बिजनेस इनकम, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब आप जो काम कर रहे हो वो उसके प्रिंसिपल और उसकी एंसिलियरीज, मतलब उससे जुड़े हुए इनकम ही आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फिर ऑपरेटिंग इनकम आएंगे, ऑपरेशनल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो भी है वो अदर इनकम में जाएगा बस, ठीक है। तो ये रही आपकी शेड्यूल 3 SPL से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमने किया। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है केस स्टडी 1, ये है आपको 18.63 पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया, और इसको देखते इसका आंसर हमें खुद करना पड़ेगा। द फॉलोइंग इज एक्सर्ट ऑफ नोट्स ऑन फिक्स्ड एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट, PPE का नोट्स टू अकाउंट बनता है, उसी का ये डिटेल दिया हुआ है, ग्रॉस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू, तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, एडिशन डिलीशन क्लोजिंग 31 मार्च, फिर से ओपनिंग किसका, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, एडिशन डिलीशन, एक मिनट, या एडिशन डिलीशन, फिर उसके बाद इसका क्लोजिंग, तो ये है ओपनिंग एडिशन डिलीशन क्लोजिंग, ये भी ओपनिंग एडिशन डिलीशन क्लोजिंग, ये ग्रॉस ब्लॉक, ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर ये नेट का क्लोजिंग एंड नेट बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस, बिल्डिंग है ये है, इंटेंजिबल सारे एसेट्स दिए हुए हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इंटेंजिबल इंक्लूड्स परचेज गुडविल, what intangible includes purchased goodwill related to the acquisition of CGU for INR 5 million intangible जो है हमारे पास ये include करते हैं 5 million का goodwill खरीदा हुआ है, ठीक है, which has not been amortized till yet, जो आज की डेट तक amortized नहीं हुआ है, हालांकि इसमें वो जुड़ा हुआ है, however an entity feels it should be amortized, हालांकि जो एंटिटी के मालिक है वो सोचते हैं कि इसको अमोर्टाइज्ड हो जाना चाहिए। इनटेंजिबल आल्सो इंक्लूड इंटरनली जनरेटेड, इनटेंजिबल और कुछ इंक्लूड करता है, एक इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड कर रहा है जिसकी बुक वैल्यू है INR 2 मिलियन, 2 मिलियन का उसका बुक वैल्यू है। द मैनेजमेंट बिलीव दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर शैल बी एटलीस्ट 14 ईयर्स, और जो मैनेजमेंट को लगता है कि उसका यूजफुल लाइफ क्या होगा 10 ईयर्स तक होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, ड्रॉ करेक्टेड नोट्स आफ्टर सब्सटेंशनिंग योर व्यूज, मतलब अपने तरीके से बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स इसका, जैसे इन्होंने बनाया अब हमें बनाना है, सो आप रेडी हो बनाने के लिए, चलिए बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोला, भैया आपको मैंने एक नोट्स दे दिया फिक्स एसेट का,
आपको इसको करेक्ट करके बनाना अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती है, यानी सब्सटेंशियनिंग यो इज आपके हिसाब से क्या सही होगा वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। और इसका एक मैं बात बता दूं कि इसका जो आंसर है स्टडी मटेरियल में वो गलत है, गलत नहीं, बेसिकली ये पुराने मटेरियल से दिया हुआ है। शेड्यूल थ्री हमने क्या पढ़ा है, डिवीजन वन डिवीजन टू, अब हमें फाइनल में क्या पढ़ना है, डिवीजन टू। और ये क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल में सॉल्व है वो डिवीजन वन से, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन टू से, दैट इज फॉर सीए फाइनल। अपने डिवीजन वन में पढ़ते आए थे कि भाई साहब जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन टू से, वो हालांकि अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन अगर डाल दिया गया है इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया होगा इसलिए ऐसा आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने के पहले हमें बहुत सारी लाइन डालनी पड़ेगी, आप मेरी मदद करोगे, ठीक है, कम से कम कौन सा लूं यार, लेट्स सी। आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा देर के लिए पॉज कर देता हूं, वेट। तो चलिए आप लोगों ने भी लाइन टान लिया होगा। मैंने भी टान लिया, ऐसा ही आपको बनाना है। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इसमें गुडविल भी है, कैपिटल डब्ल्यू आई पी भी है और इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं, तो पीपीई का भी नोट बनेगा इसमें, कैपिटल डब्ल्यू आई पी का भी नोट बनेगा और गुडविल का भी बनेगा, इंटेंजिबल एसेट का भी बनेगा। तो पहले अपने पीपीई में देखो, अपने तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से सारा एक में नहीं आएगा, सबको हमें डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, नोट्स ऑन फिक्स्ड एसेट में पूरा ही एक ही जगह डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। लेट्स फॉर सी कि फिक्स्ड एसेट पीपीई, पीपीई में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट हमारे पास क्या क्या है, बिल्डिंग है, बिल्कुल बिल्डिंग कहाँ आएगा, फिक्स्ड एसेट में आएगा, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया। राइटिंग मेरी अच्छी हो बुरी हो बट मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्डिंग लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस इन्होंने लिखा है 5000, हाँ बिल्डिंग में तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं दी हुई है ना, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है ओनली फॉर इंटेंजिबल है, तो उसमें करेक्शन होगा, अदरवाइज तो वैसे ही रहेगा सपोज, और अगर इन्होंने कुछ गलती की होगी वो देखना पड़ेगा। ये 5000 है बिल्कुल, एडिशन डिलीशन, डिलीशन कुछ नहीं एडिशन है, तो हमने एडिशन डिलीशन दोनों एक ही कॉलम में डाला है तो ये 100 ही रहेगा। फिर टोटल इसका कितना हो जाएगा, 5100, isn't it, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, जी 1000 है, वही रहेगा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर क्या चार्ज हुआ, यहाँ पे एडिशन का मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर क्या चार्ज हुआ उसके बारे में, तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मैंने ये लिखा है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर क्या चार्ज हुआ है, तो 3 चार्ज हुआ है, और तो लास्ट में क्या बचा, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 1003, ये प्लस ये, ठीक है, और ये प्लस ये हो गया। अब बुक वैल्यू क्या आ गई, बुक वैल्यू तो उतनी आएगी 4097, isn't it, तो बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन पूरा एक जगह दिया हुआ है, लेकिन हम इनको अलग अलग डिस्क्लोज करेंगे। मशीनरीज, मशीनरीज में क्या क्या है, मशीनरी में इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 500, ये रहा तो 500 यहाँ पे आ गया, सॉरी एडिशन 100, बिल्कुल, टोटल कितना हो गया 600, अब फास्ट हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है? जी हाँ 400 है. ड्यूरिंग देयर डेप्रिसिएशन इन्होंने कितना चार्ज किया? 20. तो टोटल क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 420. तो अब टोटल कितना हो गया? 600 माइनस 420 करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा. ये फिगर कैसे आया पता है ना? इसका माइनस इसका करोगे तो आ जाएगा. मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ अ एसेट. तो ये हो गई अपनी फिक्स एसेट के बारे में. और कोई फिक्स एसेट आपको दिख रही है? नहीं. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, बिल्डिंग ऑन लॉन्ग लीज आउट. सो दिस इज नॉट अ कैपिटल, आई मीन दिस इज नॉट अ फिक्स एसेट. दिस विल कम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल WIP. No. Under capital WIP, we will have land under development. Okay. Building on lease, long-term lease out. So we हमने क्या कर लिया? PPE. PPE क्या कर लिया? हमने fixed asset कर लिया. अब बारी आएगी ये building on lease, long-term lease out. क्या ये fixed asset है? जी नहीं. लॉन्ग टर्म लीज आउट ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास एक अलग नोट्स टू अकाउंट है उसमें दिखाया जाएगा. ये लैंड अंडर डेवलपमेंट क्या है? ये लैंड लग रहा होगा फिक्स, जी नहीं. ये कैपिटल WIP, तो हमें उसका भी नोट बनाना पड़ेगा. तो चलिए उसका भी नोट बनाते हैं. ये हो गई आपकी पूरी कहानी पीपी. इसका टोटल करके कॉलम आएगा, वो आप कर लीजिएगा. ये ऐसे ऐसे जो टोटल करके आता है वो मैं नहीं कर रहा हूँ स्पेस की वजह से. अब बारी आती है, नोट लिखेंगे कैपिटल WIP. ठीक है, उसमें आएगा लैंड अंडर डेवलपमेंट. अंडर डेवलपमेंट ये आपका WIP है, वो जो नेचर उसका कैपिटल WIP. तो इसका क्या ओपनिंग बैलेंस है? 1000. एडिशन हुआ है? जी हाँ, 100 का एडिशन है. 1100 टोटल हो जाएगा. और इसमें क्या हमें बताना था कि भाई डेप्रिसिएशन का इसके कॉलम में शो करना था? आप याद करिए मेरे को, आप मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखाया था कि भाई डेप्रिसिएशन इसमें नहीं शो करते कैपिटल WIP का. तो इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. तो टोटल यहाँ पे 1100 ही बचेगा. तो ये हो गया आपका नोट्स कैपिटल WIP का. यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई आप इसको कैसे दिखाएंगे, आप अपने व्यू में बताइए. तो हमें ये बाइफोकेट करके दिखाना पड़ेगा. कैपिटल WIP आ गया. अब बिल्डिंग ऑन लॉन्ग लीज आउट ये क्या होगा हमारे पास? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो इसका भी एक नोट बनेगा. मैं टोटल नहीं कर रहा हूं, आप टोटल करके कॉलम ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, नोट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ओके, हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? बिल्डिंग ऑन लॉन्ग लीज आउट. बिल्डिंग ऑन लॉन्ग लीज आउट. ओके, ओपनिंग बैलेंस क्या है बॉस? सॉरी, ओपनिंग बैलेंस है 2000. कोई एडिशन या डिलीशन हुई है? जी नहीं, कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं हुई है. तो ये रहा आपका 2000 का क्लोजिंग बैलेंस. हाँ, इसका बिल्डिंग और लॉन्ग लीज आउट हो गया. इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500. ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो कुछ नहीं करेंगे. ये आ गया, ये क्लोजिंग भी 500 आएगा. ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ तो 1500 आ गया. कहने का मतलब यह है कि एज इट इज आ गया, बट हमने नोट्स में अलग से इसको शो किया. फिर बात आती है अपना एक और लाइन टांगते हैं. ओहो, अगला नोट. गुडविल का मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. बच्चा अपने पास इंटेंजिबल, वो है 500. अब इस इंटेंजिबल में हमें बाइफकेशन करना होगा. इंटेंजिबल सारा इंटेंजिबल को एक जगह नहीं दिखाते, गुडविल को हमें अपना अलग नोट शो करना पड़ता है.
सो गुडविल ऑन परचेज बोल के एक यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, इंटेंजिबल इंक्लूड्स परचेज गुडविल रिलेटेड टू द एक्विजिशन, कोई एक्विजिशन किया गया है इंडियन रुपीज 5 मिलियन में इन्होंने एक्विजिशन किया, तो फिगर्स सारे मिलियन में ही दिए हुए हैं ये सारे, तो इसलिए हमें 5 ही लिखना पड़ेगा। तो गुडविल में क्या आएगा, परचेज गुडविल परचेज्ड कितना है, फाइव, ये इंक्लूड करता है इसमें, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस में भी आएगा ये, ठीक है। एडिशन डिलीशन कुछ नहीं हुआ, ये 5 का 5 ही रह जाएगा। एमोर्टाइजेशन के लिए कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, जी हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर बोला रहता कि हमें अमोर्टाइज भी करना है, however entity feels it should be amortized, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं कैसे amortize करना है, so we will not going to touch कि भाई किस basis पे amortize देना है। अभी till date पे कोई amortization नहीं, तो till date अपने 5 के 5 रख दी, तो ये हो गया goodwill। और last note but not the least but it is last, I know, last note आएगा अदर इनटेंजिबल एसेट का, वॉट अदर इनटेंजिबल एसेट्स का। अब इसमें पहला है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी कहीं डालना पड़ेगा, हर बार सॉफ्टवेयर भी तो था। अब ये सॉफ्टवेयर जो इन्होंने परचेस किया था, आई मीन जनरेट किया था, खुद का बनाया हुआ है, तो 2 मिलियन का ये इंक्लूड करता 500 में, तो ये आ गया यहां पे। फिर इस पर कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं हुआ, कुछ अमोर्टाइजेशन भी इसका नहीं हुआ, तो इसकी भी बुक वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और उसके बाद अदर, बाद में बचा जो उसको अदर में डाल दी। अब अदर में क्या बचा, आपके पास 500 था, इजंट इट, 500 था आपके पास, आपके पास 2 निकल गया, 5 निकल गया, यहाँ पे आपने 5 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, मैं इनटेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूँ, 500 था उसमें से निकल गया, तो अभी हमारे पास क्या बचा, 493। ड्यूरिंग द ईयर कोई ईयर, ड्यूरिंग द ईयर परचेज एडिशन हुआ है तो उसको ऐड यहां पे डालेंगे, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन। फिर क्लोजिंग बैलेंस अपना कितना आ जाएगा, 493 प्लस 50 करो फटाफट, आ जाएगा 543। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्या है ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, 200, तो अपने 200 लेंगे। हमने ऊपर नहीं लिया क्योंकि ऊपर कोई नहीं डेटा दिया हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उनका है, तो हम ये मान रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं कि सारा इन्हीं का है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन हुआ है, जी हाँ 10 का हुआ है, या फिर अमोर्टाइजेशन हुआ है, अमोर्टाइजेशन हुआ है बेसिकली, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 420। और अपना क्लोजिंग कितना आ गया, फिर क्लोजिंग निकालिए, 543 माइनस करिए 420, 543 को माइनस करिए, मैं गैलरी खोल लूं, फाइव फोर थ्री माइनस कितना करना था अपने को, 210, तो अपना आ गया 333। तो ये हो गई आपकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, समझ गए। तो ये हो गई आपकी नोट्स टू अकाउंट, इन्होंने जो बनाई थी वो रही ये, और जो हमारे हिसाब से बनेगी वो सारे का बाइफकेशन होगा, हमने क्या क्या बाइफकेट करके दिया है, एक पीपी का नोट बनाया हमने, एक कैपिटल डब्ल्यूआईपी का बनाया है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, एक गुडविल का, एक अदर इंटेंजिबल एसेट का, कोई चेंज नहीं हुआ बेसिकली, 2 का इंक्लूजन हुआ वो बाइफकेशन पर्पज के लिए ओनली, लेकिन हमें किस तरीके से शेड्यूल 3 तो हमें फॉर्मेट ही देता है ना, तो इस फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरीके से हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे नोट्स बना के दिखाने होंगे, ना कि सिर्फ एक में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
अगर अच्छा इसको अगर हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखाएंगे, तो चलिए उसके लिए भी मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूं। एक रुकिएगा, एक्सट्रैक्ट बनेगा बैलेंस शीट की, पूरी डेटा तो अपने पास नहीं है, ऑफकोर्स एक्सट्रैक्ट बनेगा। ऐसे टान लेते हैं, अच्छा टान लेते हैं। तो यहां पे लिखिए आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। हमारे पास नोट्स जो जो हैं उसको एक एक करके लिखेंगे। पहला नोट हमने क्या बनाया था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर वन। फिर हमने दूसरा नोट क्या बनाया था, कैपिटल डब्ल्यू आई पी, नोट नंबर टू। फिर हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर हमने बनाया था गुडविल, फिर बनाया था अदर इंटेंजिबल एसेट्स। तो 2, 3, 4, 5 पांच नोट अपने बनाए थे। ये हो गया नोट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। और ये किस हेड में आएंगे, ये आएंगे एनसीए के हेड में। मैं ऊपर लिख दू यहां पे नॉन करंट एसेट, सारे के सारे नॉन करंट एसेट के हेड में आएंगे। अब इनके बैलेंस आपको याद है, पहले का बैलेंस क्या है, 4097 प्लस 180, इसको करिए 4097 प्लस 180, 4097 प्लस 180 4277, कितना हो गया 4277। कैपिटल डब्ल्यू आई पी का तो सिंगल आइटम था 1100, तो इसका 1100। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये रहा 1500, गुडविल ये तो 5 का 5 ही है, ये 333 था, ये 333 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा 335। इसका टोटल मार लेना बॉस, ये आ गया आपका, टोटल मारने का भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, नॉन करंट एसेट के हेड में जो अपने पांचों नोट्स बनाए उस हिसाब से अपने दिखा देंगे। तो रही पूरी कहानी इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने दिखा दिया। पहले टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया, 33 मिनट। आपको अगला क्वेश्चन भी करना है, बोलो हाँ या ना, तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम ले लिया क्या यार। अच्छा ये क्वेश्चन का क्रक्स क्या निकला आप बताओ, मैंने पहले ही बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको एक फिक्स एसेट का नोट बना के दे दिया, बोला भैया कि आपके व्यू में बताओ कि कैसा नोट बनना चाहिए। तो मैंने बोला भाई देखो डेटा तो तुम्हारा सब कुछ सही या गलत है हमको नहीं पता, बट तुम्हारे जो डेटा हमको मिला है उसके हिसाब से अगर मैं बनाऊं शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 2 के हिसाब से, डिवीजन 1 नहीं डिवीजन 2 के हिसाब से, इंस्टीट्यूट डिवीजन 1 से किया है स्टडी मटेरियल में, लेकिन डिवीजन 2 से आपको बनाना है क्योंकि सीए फाइनल में डिवीजन 2 एप्लीकेबल है ना कि डिवीजन 1। ओके ये अपडेट हो जाएगा स्टडी मटेरियल। तो डिवीजन 2 के हिसाब से जब हम बनाएंगे तो हमें पांच नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक नोट्स बनेगा पीपीई का, एक बनेगा कैपिटल डब्ल्यूआईपी का, एक बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, एक बनेगा गुडविल का, एक बनेगा अदर इनटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है। हम गुडविल को और इनटेंजिबल एसेट्स को एमोर्टाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, आप अजम्पशन लिख लेंगे ये वाला। तो ये रही कहानी इस क्वेश्चन की, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास है ये एच इंडस्ट्री, ये है 18.65 पे, ठीक है। पेज नंबर इसका 18.65 इस स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दूं क्या भाई साहब। 18.65
दस पेज नीचे ये तो काम कर, कहाँ है 6-3 मेरा एच इंडस्ट्रीज का एक क्वेश्चन है 18.65 पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। एच इंडस्ट्री इज अ कैश रिच कंपनी, एप्पल है बॉस, इंडिया की एप्पल है, एप्पल के पास बहुत कैश है, ठीक है, इसीलिए उसको कैश रिच कंपनी, हमेशा देखो किसी ना किसी को खरीदता रहता है, कैश रिच कंपनी एंड हैज गॉट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। एच इंडस्ट्री बोल रही है कि भैया मैं एक कैश रिच कंपनी हूँ और उनके पास बहुत ही सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोट्स ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उनका नोट्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का नोट्स इन्होंने बना के आपको दिया हुआ है। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड्स है, ETFs है, एक्स लिमिटेड होली ओन सब्सिडी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, एस फाउंडेशन 100% जो इनका होल्डिंग होगा वो इन्वेस्ट किया होगा, टाइम डिपॉजिट 20 रुपीज, तो टोटल 660 का बेसिकली क्या है ये इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी में है, उसको इन्होंने नोट्स में डिस्क्लोज किया। अब हमसे देखिए क्या पूछते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स आर वैल्यूड एट मार्क्ड रेट, MTM पे वैल्यू होता है, ठीक है, बेसिस एज ऑफ ईयर एंड। मार्क्ड MTM का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, मार्क्ड टू मार्केट, ठीक है, एज ऑफ ईयर एंड। These were initially invested for 300 lakhs for liquid funds of and 25 lakhs for ETF respectively. मतलब म्यूचुअल फंड वैल्यू होते हैं हमेशा मार्केट वैल्यू पे, मार्क टू मार्केट, मार्केट के हिसाब से वैल्यूड होते हैं ईयर एंड पे। दीज वर इनिशियली इन्वेस्टेड, ये शुरुआत में इन्होंने इसका इन्वेस्टमेंट हुआ था फॉर 300 lakhs, 3 lakh के लिए फॉर लिक्विड फंड्स की जरूरत के लिए, एंड 25 लाख हुआ था ETFs के लिए। ETF एक फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, आप समझ लीजिए, ठीक है। द फाउंडेशन हैज अ क्लॉज इन इट्स डीड, जो कंपनी है उसके क्लॉज डीड में क्या है, दैट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन की नौबत आती है, लिक्विडेशन होता है, तो द नेट एसेट ऑफ द ट्रस्ट शैल बी ट्रांसफर टू द अनदर ट्रस्ट विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। बोला कि अगर लगता है, लगेगा कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन डूब जाती है या फिर लिक्विडेट हो जाती है, तो इसका क्या किया जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे ट्रस्ट में विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट। आपको करना क्या है, हमें प्रिपेयर करना है करेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, और इसमें भी आपको बता दें कि हमारा सॉल्यूशन ICICI से नहीं मैच करेगा, बिकॉज डियर ICICI ने AS13 अप्लाई किया है, जबकि हम लोग AS13 नहीं पढ़ेंगे CA फाइनल में, हम लोग पढ़ेंगे इंड AS109, ठीक है, तो हमें इंड AS109 के हिसाब से फॉलो करना होगा, उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन डिफर, आंसर डिफर कर सकता है ICICI से। अब ऐसा नहीं है कि सारा ही आंसर गलत होगा, दीज फ्यू, देर आर फ्यू ओनली गलत नहीं है, वो किया हुआ है पुराने एस के हिसाब से, वो भी एकदम सही है, लेकिन आप सीए फाइनल में हो तो आपको इंडेक्स के हिसाब से करना पड़ेगा, तो इसलिए डिफरेंस आएगा। चलिए बनाते हैं अपने नोट्स टू फाइनेंशियल ईयर, सॉरी इन्वेस्टमेंट का नोट्स, तो ये रही लाइन, मैंने टान दी, नोट्स इन्वेस्टमेंट्स, तो पहले हमें ये दिखाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जो सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट है
जैसे ये 100 रुपीज उन्होंने सब्सिडी में लगाया हुआ है, होल्ली ओन सब्सिडीज 100% शेयर, जैसे कि यहाँ पे है 100, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, अलग से डिस्क्लोज करेंगे हम 100% शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। तो हमने क्या हेडिंग डाला है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, एक हेडिंग डाल के हमें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं किया हुआ है। हम करेक्ट नोट्स टू इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, तो ये आ गया 100, ठीक है। और एक है एच फाउंडेशन, जो कि इनकी है, तो उसको भी लाएंगे एच फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए एक यहां पे भी क्लॉज दिया हुआ है, द फाउंडेशन हैज अ क्लॉज इन इट्स डीड दैट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन द नेट एसेट ऑफ द ट्रस्ट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द नेटर्स ट्रस्ट विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बात भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो एज फाउंडेशन 100%, तो ये पूरी की पूरी बात हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आई होप आप यहाँ पे एड कर लोगे। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज, तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो टोटल आ गया अपना 120। ये सब्सिडी का नोट्स बनेगा अलग से। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट अदर्स, जिसमें आपका आ गया म्यूचुअल फंड, जो कि लिक्विड फंड, जो लिक्विड फंड के लिए है दैट इज 500, और ETF के लिए है। आप देख रहे हो कुछ हो नहीं रहा, बस स्ट्रक्चर बदल जा रहा है कि आप कैसे दिखाओगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एक हेडिंग हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अदर्स, उसको दिखाएंगे यहां पे, तो 520, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बचा अपना एक टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट देखिए, टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, इसको जो भी बोलिए, आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो। तो इसको दिखाने के लिए आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस है। देखो इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ कि कब के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास चॉइस क्या है इसको दिखाने के लिए। आप इसको अगर देखिए, इसमें तीन मैंने बताया था, आपको याद हो तो शेड्यूल 3 का जब मैं नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो डिपॉजिट के बारे में बताया था मैंने। इसमें तीन कैटेगरीज है, ठीक है। 12 मंथ से ज्यादा, 0 से 3 मंथ के लिए है, 3 से 12, या फिर 12 महीने से ज्यादा है। तो कहां 0 से 3 है, तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाएंगे। 3 से 12 में है, तो अदर बैंक बैलेंस में दिखाएंगे। अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए डिपॉजिट है, तो नॉन करेंट एसेट में, अदर करेंट एसेट के हेड में दिखाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट में कहीं नहीं आएगा। तो ये जो डिस्क्लोजर है इन्वेस्टमेंट में, तो ये गलत है। पहली बात, ये कहां कहां डिस्क्लोज होगा, ये यहां पे डिस्क्लोज होगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये रहा आपका डिस्क्लोजर बेसिकली। तो इसको आप जहां मन वहां दिखा दो चलेगा, ठीक है। तो सपोज करो अदर बैंक बैलेंस में हम इसको दिखा दें, आपको मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखा देता हूं। ये रही आपकी बैलेंस शीट, सपोज करिए ये है NCA, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में ओके फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें सिर्फ आएगा 120। म्यूचुअल फंड्स आर वैल्यूड एट मार्क टू मार्क एवरी ईयर, दीज आर इनिशियली इन्वेस्टमेंट। इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये करंट ईयर के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर, क्योंकि ये बोले लिक्विडिटी के लिए है और ETF के लिए। तो ये एवरी ईयर एंड पे इनका मार्क टू मार्केट बेसिस पे वैल्यूएशन होता है, और लिक्विडिटी पर्पज के लिए, भैया लिक्विड फंड जब जरूरत होगी वहां से इसको बेच के हम ले लेंगे। तो इसका मकसद जो है वो करंट
नेचर का है, तो इसको कहाँ डालेंगे, करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट, और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये आ गया 520, ये 120, ये 520, और इसी में फाइनेंशियल एसेट में आ जाएगा, अदर बैंक बैलेंस में इसको डाल देंगे, अपना जो टर्म डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट 20। सुन मैं, हमने क्या किया, इसको करंट एसेट हमने माना क्योंकि ये बोला लिक्विडिटी के लिए यूज हो रहा है ये दोनों, तो इसको नॉन करंट करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज में हमने डाल दिया इसको, नॉन करंट एसेट, क्योंकि जो सब्सिडरी में पैसा लगता है वो हमेशा लंबे समय के लिए लगता है, इजंट इट। आप अगर अपनी कंपनी में, छोटी सी कंपनी आपकी, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी गोल क्या होती है कि हम लंबे समय तक होल्ड करेंगे, मतलब उसको ग्रो कराएंगे, तो उसके लिए यूज होती है। और टर्म डिपॉजिट में आपके पास चॉइस है, तो हमने अदर बैंक बैलेंस में इसको डाल दिया। तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो गया ये, एक एनसीए फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, फिर एक करंट एसेट फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये अदर बैंक बैलेंस, वो फाइनेंशियल एसेट में ही आएगा। तो ये रही कहानी इसकी, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल। तो हमने तीन क्वेश्चन कर लिए हैं और टाइम आई गेस हो गया है इतना कि हमें अगला क्वेश्चन भी करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम अगले वीडियो में देना पड़ेगा। तो चलिए, अभी तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, आपको करके मज़ा आएगा, भले ही आपको जैसे मैं करा रहा हूँ, आप साथ साथ करिए, साथ साथ होगा और साथ साथ समझिए, फिर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है। मेरा मकसद क्वेश्चंस कराने का सिर्फ इतना ही है कि आपने पढ़ लिया लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं किया, वो भी स्टडी मटेरियल से नहीं किया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ के, क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसका और मैं कराऊंगा शेड्यूल 3 का, फिर अपने पढ़ेंगे एनडीएस 1, इजंट इट। वो भी थोड़ा, ये जैसे ही खत्म होगा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको खत्म करने के बाद अपने पढ़ेंगे उसको। तो इसको अभी करते हैं, अभी लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया एंड बाबा। एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तुम्हारी हैसियत है, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल, आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है। शुक्रिया।